हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड नहीं है। आज के दौर में ऑनलाइन स्कैम्स बहुत कॉमन है और इस ऑनलाइन स्कैम्स की वजह से लोग अपनी कीमती इन्फॉर्मेशन और पैसा बहुत ईजीली गंवा देते हैं। आज के दिन मैं आपको बताऊँगा कि मेरे साथ अभी रिसेंटली एक स्कैम की शुरुआत ही हुई है और मैं समझ रहा हूँ कि क्या गेम है सारा, और मैं आपको बताऊंगा कि आगे जाकर कि हो क्या रहा है। अच्छा, ये खातून है बेसिकली, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है और इन्होंने ये जो कन्वर्जेशन वो कर रही हैं ये दरअसल उज़्बेक लैंग्वेज के अंदर कर रही हैं। अब मैं आपको कैसे बताता हूँ, मैंने सिंपल क्या किया, इस कन्वर्जेशन को कॉपी करके और यहाँ पर डिटेक्ट लैंग्वेज के ऊपर ट्रांसलेट कर दिया। अब होता क्या है कि ये उज़्बेक लैंग्वेज को ट्रांसलेट इंग्लिश के अंदर किया और ये यहाँ पर सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं कि मैं एक लीज़ा हूँ, मैं इंडोनेशिया से हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड जो है हैनोई के अंदर हैं, हैनोई से हैं और हम यूके के अंदर रहते थे। हैनोई दरअसल वियतनाम का कैपिटल है जो कि मॉडर्न डे कैपिटल, सही है। पहले ये आपको, खैर मज़ीद इसके अंदर ये इन्होंने मेंशन किया है कि इसी दौरान मैं कैंसर से लड़ रही हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी जो करंट स्टेज है वो काबू में नहीं आ सकती और मेरे पास कुछ महीने रहते हैं ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अच्छा, इसके बाद मैंने जो है मैसेज में जो किया है रिप्लाई, ओ माय गॉड हकीकतनम, इसका मतलब ये होता है कि ओ माय गॉड रियली। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको पूरा उनको बताऊंगा कि ये जो अपनी बात कर रही हैं इस पर ख़ुद नहीं उतरती हैं कैसे, और मैं आपको आगे जाकर प्रूफ भी बताऊंगा कि क्या है। चलें, इसके बाद मैं आपको इनके प्रोफाइल की तरफ लेकर जाता हूँ। भाइयों, फेक प्रोफाइल बॉट ने बनाई हुई है या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि शरारत कर रहा है आपसे पैसे निकलवाने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, कैसे हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं मैं आपको पहले बताता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है जो इनकी लिंक इन बायो है वो भी चलें फटाफट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, लिखा हुआ है आई हेट फेक फ्रेंड्स, जबकि ये खुद फेक हैं। फिर इसके आगे इन्होंने लिखा हुआ है पाकिस्तानी, फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, अब ये एक नंबर की बेवकूफ़ खातून है, उनको इतना नहीं पता कि स्कैम करने का भी नकल की नहीं भी अकल की ज़रूरत होती है। और आप पाकिस्तान की लैंग्वेज के अंदर लिखें, आप उज़्बेक लैंग्वेज में क्यों लिख रही हैं, कैंसर पेशेंट ये लिखा हुआ है। इनके फॉलोवर जो हैं वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके देखूँ ना बताऊँ आपको, तो आप ज़रा यही देखिए, अरबाज शीमा, अनकीत तिवारी, ये सारे के सारे जो हैं वो ब्राउन मुंडे हैं। ठीक है, अब ये देखें ऑफिशियल राजदी पता नहीं अब्दुल रजाक लिखा हुआ है इसमें, ये बांग्लादेशी भाई होंगे हमारे, निकोलस रॉड्रिगोस, ये सारी चीज़ें आप देखिए ज़रा, ईच एंड एवरीथिंग, मेजॉरिटी आपको जो नज़र आएंगे यहाँ पर वो सारे के सारे ब्राउन मुंडे नज़र आएंगे। ठीक है, अच्छा खैर ये क्लिक व्लिक नहीं कर रहा मैं, पूरी बात है। अब फॉलोइंग मतलब ये जिसको फॉलो कर रही हैं तो यहाँ पर आपके सामने मेंशन हुआ है, ये बहुत ही कम इनकी थी, लेकिन जब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फॉलोवर्स इंतहाई कम थे इनके, लेकिन जैसे ही इनके बढ़े तो मेरा भी थोड़ा सा दिमाग तेज़ हुआ, मैंने कहा भाई क्या सीन हो रहा है इनकी। जब मैंने इनकी प्रोफाइल पिक्चर देखी तो सितंबर 10 सितंबर को थी, कोई भी लगा सकता है यार, एक दिन पहले इनकी ये वाली पोस्ट आई है, फिर एक दिन पहले ये वाली पोस्ट आई जिस पे 2 लाइक हैं, और फिर लेटेस्ट पोस्ट जो है वो एक दिन पहले है। यार ये सारी चीज़ें हर कोई कर सकता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मज़ीद यार ये है कि अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके गूगल इमेज देखना चाहते हो यार कि कौन क्या हकीकत में ये सही है, तो आप सिंपल सी बात है उसको कर लो और यहाँ पर जो है वो शोज़ आ जाएंगे। पता नहीं गूगल क्या करे, ये खुद मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो अगर कोई सिमिलर तस्वीर होती है ना तो गूगल फ़ौरन निकाल लेता है। अब खैर एक मैच तो हो ही है, यहाँ पर ज़रा ये देखें, फाइंड सोर्स पर मैंने क्लिक कर दिया। खैर एनीवेज ये देखें क्या लिखा हुआ है, द पीपल पोर्ट्रे दिस फोटोज़ फॉर इनोसेंट मैन एंड वुमेन नॉट इन्वॉल्व इन स्कैमिंग एंड एनीवेज इफ़ नथिंग टू डू विद द स्कैमर्स, मतलब ये बेकसूर लोग थे, इन्होंने इनकी आइडेंटिटी को स्टील करके और ये इस्तेमाल की है और फिर उसके बाद जो हैं वो आम लोग, आम जनता जो हैं वो इनके जाल में फंसे हैं। और अब मैं फर्दर नीचे करता हूँ, देखें ज़रा कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं। ठीक है, आप ज़रा यहाँ पर ज़रा चेक कीजिए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम अलाइव लुकिंग, खैर एक्स वाई जेड जो भी उन्होंने इसमें लिखा हुआ। और ये लोग जो हैं वो आपके ऐसे मतलब इस किस्म की चीज़ें बनाएंगे, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी ही इज़ मेकिंग अ मिस्टेक, पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट का। आप ज़रा ये देखिए, यही तस्वीर जो है वो इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, और वही मैटर जो मैंने आपको बताया था हैनोई, अब वो यूके से चेंज करके सॉरी जर्मनी को चेंज करके उन्होंने इंडोनेशिया कर दिया। अच्छा, मैं फर्दर नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पर इनकी पूरी की पूरी बायोडाटा लिखा हुआ है। अब
ये वाले जो डेटा है देखिए ज़रा सेम टू सेम ये है। आप अंदाज़े लगाएं कि स्कैमर्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। आप ज़रा ये देखिए, अब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है वो मॉस्को बना दिया। खैर ये यहाँ पर आ रहा है। एनीवेज ये देखिए, ये जाहिर सी बात है कुछ लग रही है रशियन टाइप की खातून। अब हो गया ठीक है। अब मैं आपको क्या जो इनकी ये पूरा का पूरा, जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ है ना वो देखिए, मैं आपको ये करा आपके भाई ने कॉपी ठीक है, और ये करा आपके भाई ने पेस्ट। ओके ये आपको सारा चीज़ें आ रही, तो ये आपके सामने उज़्बेक के अंदर आ रहा है। आप सिंपल क्या करें, इसको कॉपी करें। खैर कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो ये खैर उज़्बेक में है ना, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको क्या करें, इंग्लिश वाले टेक्स्ट को पूरा कॉपी करो। मज़ीद आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, इट्स अ कम्प्लीटली फेक और स्कैम है, बॉट्स होते हैं इसके पीछे, ख्याल करें। अच्छा देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, डू बी केयरफुल अबाउट द लिंक्डइन। ओके अब ये ओपन होता है ठीक है। अब ये सामने आपके सामने, दिस इज़ द थर्ड टाइम, ये इन्होंने खातून जो है वो बता रही हैं कि थर्ड टाइम मुझे एक चीटिंग मैसेज रिसीव हुआ है। और बहुत सारे लोग लिंक्डइन पर आते हैं तो ऐसी चीज़ों के बारे में नौसरबाज, तो प्लीज़ आप ख्याल करें इस चीज़ों का। और इसके अंदर सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं, और मज़ीद मैं नीचे पढ़ रहा हूँ, आप खुद देखते रहिए। सेम टू सेम वही, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं इंडोनेशिया से हूँ और मेरे जो हस्बैंड है वो हनोई से हैं, यानी कि कैपिटल ऑफ वियतनाम से हैं, और हम यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। अपने हस्बैंड को 16 अगस्त 2014 को मैं भूल चुकी हूँ, और फिर स्ट्रगलिंग फॉर द कैंसर और डॉक्टर सेड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ आई हैव फ्यू मोर टू लिव ठीक है। अब ये फ्यू मोर टू लिव, अब ये सेम टू सेम आप ज़रा देखिए, ये मैं आपको इंस्टाग्राम ये कॉपी पेस्ट करके आपको क्यों नहीं दिखा दूँ मैं, ज़रा ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास भी कुछ इस तरीके से आएंगे। हम फर्दर मोर यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे हस्बैंड जो है वो काम करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और 7.5 मिलियन डॉलर से जब इंतकाल के बाद जब इंतकाल हुआ तो सारे पैसे उनसे ले लिए गए थे। मेरे हस्बैंड ने एक जो है वो चाहते थे कि गरीब लोगों की हेल्प करें, क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं हुई वगैरह वगैरह। मैं इंडोनेशिया में रहती हूँ, और उन्हें 7 मतलब 7 लाख डॉलर। तो भाई अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन स्कैमर के साथ खेल रहा हूँ। इन्होंने बिल्कुल आधा मैसेज मुझे भेजा है, जाहिर सी बात है। तो अब चलो थोड़ा सा उसने क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं ठीक है। ठीक है ये मैं उनको भेज रहा हूँ। नॉट योर मदर टंग, सही है भाई, ये हो गया। लुक्स लाइक रशियन और स्लाविक, एथनीसिटी चलो भाई, आपके भाई को उसने कहाँ तक भेजी थी, यहाँ तक ठीक है, 2016 वाला,
यहाँ तक भेजी थी। ओके, फ्यू मोर मंथ्स टू लिव। हाँ भाई, ये आपके भाई ने करा कॉपी, ये आपका भाई अब डालेगा इधर, सॉरी, ये करेगा, और ये आपका भाई भेजेगा इस बंदे को, बंदी को, बॉट को, जो भी है। सही है भाई, ये आपके भाई ने कर दिया उसको सेंड। ठीक है, अब देखते हैं कल क्या होता है। मैं इंतज़ार करूँगा कि क्या होगा सीन अभी, और आपको मैं वीडियो के अंदर ऐड करूँगा इसके अंदर। सही है, सो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, या फिर अगर मिसाल के तौर पर इसने ब्लॉक कर दिया तो मैं आपको फ़ौरन बताऊँगा कि इसने ब्लॉक कर दिया मुझको। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, विच नेवर टेल टू एवरीवन। अब ये फर्दर लिखा हुआ है, आप ख़ुद नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पुलिस, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आई ऑल्सो रिसीव द मैसेज, हस्बैंड वर्क फॉर जर्मन कंपनी ऑयल फील्ड। ये सारी चीज़ें, अब मज़ीद आप ज़रा ये देखें, ये देखिए, अब थ्रेड शुरू हो गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ख़त्म। तो यार ये सारी जलील करने वाली जो चीज़ें हैं ना भाई, इससे आप थोड़ा दूर रहो। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। मज़ीद यार ये है कि उन्होंने इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ना यार, ऐसे नुकसान ये आप लोगों का ही होता है। आप लोग क्या करते हो, गलती से चीज़ें अपनी लीक कर देते हो और उनकी बातों में आ जाते हो। गोरी चमड़ी का मतलब ये थोड़ी है कि आप उनकी बातों में आ जाओ। नो डिसरिस्पेक्ट मतलब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग हैं ही मेहमान नवाज लोग, लेकिन जब हम किसी गोरे को देखते हैं तो हम और ज़्यादा मेहमान नवाज हो जाते हैं। तो ये बात है। एनीवेज यार, ये आते रहेंगे तो थोड़ा सा एहतियात कीजिए, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। मज़ीद स्कैम वीडियोस बनाऊंगा मैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।